सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए फिर से खुशखबरी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए सीए अमरजीत सिंह जी, जीएसटी एक्सपर्ट। और सर, कल आपकी एक वीडियो हमने डाली थी जीएसटी काउंसिल मीटिंग के ऊपर और बहुत प्यार मिला, 24 घंटे में 5000 से ज्यादा व्यूज है उस वीडियो पर। और इसलिए हमने सर को दोबारा बुलाया है, किस लिए? क्योंकि कल की जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने बताया था कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें ना कुछ क्लैरिफिकेशन आनी थी। तो सर, ये ना 5 तरह की क्लैरिफिकेशन थी जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने बोला था। तो कल रात को ही ना 3 सर्कुलर आए हैं, ठीक है। इन 3 सर्कुलर में 5 तरह की क्लैरिफिकेशन है। तो ये क्लैरिफिकेशन क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारी क्लैरिफिकेशन पता लग जाए। अब हम बात करते हैं 3 सर्कुलर में 5 क्लैरिफिकेशन। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। पहली क्लैरिफिकेशन हमारी है सेक्शन 16(4) को लेकर। तो सेक्शन 16(4) में पहले मैं आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बता देता हूँ। सर, होता क्या था सेक्शन 16(4) में, हम पिछले साल की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर आपका मार्च महीने का बिल है, ठीक है, मार्च महीने का टैक्स इनवॉइस है, आप उसका ITC ले सकते हो सितंबर 2020 तक। लेकिन अगर आपने उसका डेबिट नोट इशू करा, तो डेबिट नोट का जो सेक्शन है सेक्शन 34, वो कहता है आप कभी भी डेबिट नोट इशू कर सकते हो, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं, बस इंटरेस्ट जो आपका बनता है वो जमा करना है और डेबिट नोट इशू करना। तो अब आप एक चीज को समझना, मार्च का बिल था मार्च 2020 का, मैंने उसका डेबिट नोट इशू करा नवंबर 2020 में, तो मैं कर तो सकता ही हूँ, तो मैंने उस पर टैक्स भी दिया। लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने डेबिट नोट इशू करा वो ITC नहीं ले पाता था। क्यों ITC नहीं ले पाता था? क्योंकि वो कहता था डेबिट नोट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है इनवॉइस से, और इसका इनवॉइस है 31 मार्च 2020 का, तो हम इसका ITC आपको सितंबर 2020 तक देंगे। हुआ क्या, लॉ को अमेंड किया गया और सेक्शन को लाया गया, और उसमें कहा गया कि भाई इनवॉइस को अलग रखो और डेबिट नोट को अलग रखो। तो ये वाला जो प्रोविजन है वो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पर समस्या ये आई कि भाई जो नवंबर 2000, ठीक है ना, नवंबर 2020 को मैंने डेबिट नोट इशू करा है, तो क्या मेरा रिसिपिएंट उसका ITC ले सकता है या नहीं ले सकता? क्योंकि प्रोविजन तो हमारे 1 जनवरी 2021 से लग रहे हैं, लेकिन जो अक्टूबर से दिसंबर के डेबिट नोट है उसके ऊपर क्या प्रोविजन होगा? तो सर, इसे एक बार क्लैरिफाई कीजिए। अगेन थैंक यू कपिल जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर डेलिब्रेशन। और बहुत सही आपने बताया कि अमेंडमेंट, बेसिकली क्लैरिफिकेशन यही आई है इसमें कि बिकॉज अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of January 2021, तो यहाँ पे इशू यही आ रहा था कि जो डेबिट नोट, जैसे सर ने बताया कि नवंबर 20 में आपने एक डेबिट नोट इशू किया जो प्रिटेन करता है मार्च से, क्योंकि वो मार्च के इनवॉइस से प्रिटेन करता है, तो पहले 16(4) ये कहता था कि आप इनवॉइस की डेट को देखोगे, इनवॉइस की डेट निकल गई तो आप इसका डेबिट नोट का भी ITC नहीं ले सकते। लेकिन ये प्रोविजन डीलिंक कर दिया इसने इनवॉइस की डेट से 1 जनवरी 2021 से। अब प्रोविजन को डीलिंक किया 1 जनवरी 2021 से, लेकिन मेरा डेबिट नोट जो इशू है वो उस अमेंडमेंट से पहले का है। तो यहाँ पे ये सर्कुलर नंबर 160 जो हम कह सकते हैं एक सेकंड सर्कुलर है, क्योंकि 159 पहला सर्कुलर आया, 160 और 161 फिर इसको डिस्कस करेंगे। इसमें यही चीज बताई गई है कि अगर मेरा इनवॉइस, अगर ये जो मेरा डेबिट नोट था नवंबर का, जिसकी मेरी डेट निकल गई थी पुराने प्रोविजन के हिसाब से, क्योंकि मेरा इनवॉइस से लिंक था, अब इसका क्रेडिट भी आप ले सकते हैं, आप इसका क्रेडिट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब 1 जनवरी 2021 से डेबिट नोट इज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट और ये डिपेंडेंट नहीं है आपके इनवॉइस के ऊपर। अब यहाँ पर अगर मैं सर आपकी बात को क्लैरिफाई और करूँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके 19-20 से रिलेटेड कोई डेबिट नोट आप अगर जनवरी के बाद इशू करते, मतलब फरवरी 2021 में करते, तो वो ऐसे ही मिल जाना था, उसका तो ऐसे ही मिल जाना था नए प्रोविजन के हिसाब से, प्रोविजन वेरी मच क्लियर कि 1 जनवरी 2021 से। लेकिन ये इन्होंने आपको बेनिफिट दिया कि अगर आपका कोई पुराना डेबिट नोट भी है तो उस पे भी हम देंगे, क्योंकि ये बेनिफिट इन्होंने नहीं दिया, एक तरह से क्लैरिफाई किया है, क्योंकि सेक्शन ये कहता है कि सेक्शन ने अब अमेंडेड सेक्शन आपके सामने क्या हो गया कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो इनवॉइस का और डेबिट नोट का इंडिपेंडेंटली, जब उनकी फाइनेंशियल ईयर से लेकर सेप्टेम्बर तक की डेट निकल रही हो, तो डेबिट नोट की इंडिपेंडेंट डेट देखनी है और इनवॉइस की इंडिपेंडेंट डेट। तो अब मेरे जो दिसंबर से पहले की जो इनवॉइस डेबिट नोट है उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट डेट है, और वो इंडिपेंडेंट डेट मेरी
नेक्स्ट सितंबर में फिनिश खत्म हो रही है, तो ये एक तरह से जो मेरे डेड हो रहे थे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के डेबिट नोट, उनको एक तरह से लाइव कर दिया है कि अगर ऐसे भी डेबिट नोट है तो आप उसका 16.4 के अकॉर्डिंग क्रेडिट ले सकते हो, क्योंकि सितंबर तक इशू किया होगा तो वैसे ही आपने ले लिया होगा, उसका तो मेजर है नहीं, लेकिन अब मेजरली इंपैक्ट ये करेगा इन 3 महीने के अक्टूबर नवंबर दिसंबर के। अच्छा सर, इसमें एक चीज और थी, अब मान लो नवंबर में मैंने डेबिट नोट इशू करा, नवंबर में डेबिट नोट इशू करा, मार्च का बिल था, एज पर लो हम उसका ITC नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसका ITC ले लिया होगा गलती से, राइट, ठीक है, सर्कुलर क्या कह रहा है, सर्कुलर ये कह रहा है कि अगर उसका ITC आपने नहीं लिया था अभी ले लो, तो आप ले लो, ठीक है, अलाउ कर रहा हूं, हाँ, लेकिन अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने उसका ITC नहीं लिया था, राइट, ठीक है, या ले लिया था, जिसने नहीं लिया था तो वो तो ले ही लेगा, बिल्कुल, लेकिन अगर किसी ने ले लिया था गलत तरीके से ही, राइट, कि चलो भाई मैं तो ले लेता हूँ आगे देखा जाएगा, तो क्या वो इस सर्कुलर का बेनिफिट ले सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कपिल जी ने, बल्कि मैं इसमें सर्कुलर की कुछ आपको सेकंड पेज पे जाके दो लाइनें भी पढ़ना चाहूंगा इसके लिए आपके लिए। वो साफ कहता है कि वेयर एज एनी ITC अवेल्ड, वेयर एज एनी ITC अवेल्ड प्रायर टू 1st of January 2021, यानी कि डेबिट नोट, अब जैसे कपिल जी ने बोला कि मैंने लेना, मुझे मिलना नहीं था, लेकिन मैंने गलती से उसका क्रेडिट ले लिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट शैल बी गवर्न्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16.4 एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द सेड अमेंडमेंट ऑन 1st January 2021, यानी कि किस डेबिट नोट की बात कर रहा है, जो कपिल जी ने अब कहा कि इसका क्रेडिट पहले पुराने प्रोविजन के हिसाब से नहीं मिलना था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया था, तो यहाँ पे उसने उसको मना कर दिया कि हम आपकी वहां तक की बात तो मान रहे हैं कि भाई हम आपको अलाउ कर रहे हैं आपका पुराना डेबिट नोट, लेकिन जब आपने पहले ही ले लिया तो आपके ऊपर पहले वाले प्रोविजन लगेंगे, तो आपके ऊपर नए वाले प्रोविजन हम आपको अलाउ कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने वो वाला प्रोविजन, वो जो गलत ITC था, वो अगर आपने नहीं लिया था, क्योंकि आपको पता था कि मेरे को एज पर पुराना लॉ मेरे को अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नहीं मिलना है, नहीं लिया था, तो वो ये सर्कुलर के थ्रू, और ये सेक्शन भी आपको यही बोलता है, आपको सेक्शन भी वही अलाउ कर रहा है जो आपने कभी भी अवेल नहीं किया था। जी जी। तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि अगर आपने गलती से ले लिया है तो वो अब आपका डैडी है, और अगर आपने गलती से अगर आपने नहीं लिया है उसका, तो चाहे वो एक जनवरी 2021 से पहले का भी डेबिट नोट है तो भी ये अमेंडमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, अगर आपके डेबिट नोट की डेट नहीं निकली तो आप उसका ITC ले सकते। चलिए सर, ये बहुत अच्छा मैं क्लियर हो गया, और फिर भी हम अपनी जो मैगजीन आ रही है अक्टूबर की, हम उसमें विद एग्जांपल आपको ये देंगे, जिससे आपको और क्लैरिफाई, इसके 3 एग्जांपल हमें बनाना बहुत जरूरी है, तो वो एग्जांपल के थ्रू आप बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके बाद एक अगली अमेंडमेंट हमारी क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए थी, जो हम ई वे बिल है, ठीक है भाई, जब माल जाता है आपको ई वे बिल चाहिए, इनवॉइस चाहिए, तो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक हमारे इनवॉइस बन रहे हैं सारे, ई इनवॉइजिंग का कंसेप्ट आ रहा है, तो उस वाले केस में क्या हमारे को क्या क्या चीजें मैंडेटरी, उस पर क्लैरिफिकेशन आई है, थोड़ा बताएं सर। इसमें यही क्लैरिफिकेशन है कि इशू क्या आ रहा था कि 130A के ही सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 नया इंसर्ट हुआ था, 1 हमें कहता था कि आपको इनवॉइस या फिर आपके आप बिल ऑफ सप्लाई या फिर चलान, जो जैसा भी केस है आपका, वो आपको कैरी करना है अपने साथ, जी, वो आप अपने साथ कैरी करेंगे, हाँ। और जब भी आपसे मांगा जाएगा तो आप उसको शो करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि आपका ई इनवॉइस जब बन रहा है, हाँ। तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली दिखा सकते हैं, बिल्कुल, तो यही एक क्लैरिफिकेशन मांगी गई, और ये क्लैरिफिकेशन इस रूल जो 138 है इसके सब रूल 2 के अंदर क्लियर भी थी कि अगर आपके पास QR कोड और IRN नंबर से जनरेट हुआ वो इनवॉइस है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी कैरी कर रहे हैं, तो आपको फिजिकल इनवॉइस की जरूरत नहीं है, तो यही क्लैरिफिकेशन बोलती है, मतलब अब अगर आप माल भेज रहे हो तो आपको फिजिकल इनवॉइस कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने ई इनवॉइस QR कोड के साथ, QR कोड है और उस पे IRN नंबर है, ठीक है सर। एक तीसरी क्लैरिफिकेशन आई है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 54 जो हमारा होता था उसमें क्लोज हुआ करता था कि कुछ गुड्स पर जब हम उसे एक्सपोर्ट करते थे तो कस्टम में हमारे को एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, कुछ गुड्स से ज्यादा नहीं, जिसको प्रमोट नहीं करना चाहती गवर्नमेंट बेसिकली, बिल्कुल जो चाहती है कि गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट होए ना, तो उस पर वो ड्यूटी लगा देती एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन है, वो थोड़ा सा बताएं। उसके रिगार्डिंग यही है क्लैरिफिकेशन कपिल जी, की पढ़ने से वहां पे पढ़ने से तो कई बार ऐसा लगता है कि 54(3) का ये प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है सेक्शन 54(3) का
कस्टम ड्यूटी आप पे लेवी हो गई तो आपके ऊपर आपको फिर आईटीसी का एक्युमुलेटेड जीएसटी में भी एक्युमुलेटेड आईटीसी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता था कि ये जो कस्टम ड्यूटी लेवी होती है ये शेड्यूल सेकंड के थ्रू लेवी होती है कस्टम टैरिफ एक्ट के, तो वहां पे क्या होता है कई बार नील रेट लिखा रह जाता है, ठीक है, कई बार उस गुड्स पे एग्जेम्पशंस होती है, ठीक है। तो क्या होता था कि नील रेट का मतलब अब कहते तो ये है कि ड्यूटी तो लेवी है लेकिन नील रेट से है, तो वहां पे कई बार डाउट आता था कि ये जब नील रेट से लिखा गया है तो इसका मतलब जीएसटी में भी इसको क्रेडिट नहीं देना। तो उन्होंने इसी चीज को क्लैरिफाई किया कि जब एक्चुअल में ड्यूटी लगेगी, अगर एक्चुअल में कस्टम ड्यूटी ली गई है तो ही आपको जीएसटी का क्रेडिट डिनाई होगा, अदरवाइज चाहे किसी एग्जेम्पशन के थ्रू या फिर शेड्यूल सेकंड में नील रेट लिखा गया है या फिर वहां पे मेंशन ही नहीं है, तो ऐसी ऐसे ऐसे गुड्स पे ये वाला प्रोविजो नहीं लगेगा, ऐसे गुड्स पे आपको जीएसटी का रिफंड दे सकते हो आप आईटीसी एक्युमुलेटेड। चलो ये भी फेवर में आ गया, फेवर में, हाँ मतलब ये ऑलरेडी था, बस क्लेरिफिकेशन ये है कि जब एक्चुअल में अगर आपके ऊपर ड्यूटी लग गई वो वाली एक्सपोर्ट कस्टम की ड्यूटी तो फिर ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी एग्जेम्पशन से या नील रेट से वो आउट है तो फिर ये आपको जीएसटी का आईटीसी एक्युमुलेटेड का क्रेडिट रिफंड आप ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सर्कुलर हमारा आया इंटरमीडिएटरी सर्विस को लेकर, इसमें क्या दिक्कत होती थी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझिएगा। हमारा एक सेक्शन है सेक्शन 13 हमारा निकालता है प्लेस ऑफ सप्लाई को, ठीक है ना जी, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ बनेगा जी। तो ये सेक्शन 13 जनरली हम लगाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर रिसिपिएंट, ठीक है, जो सर्विस रिसिपिएंट है या सर्विस प्रोवाइडर है वो एक इंडिया से बाहर आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है आपको, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आप। सर इसमें दिक्कत क्या होती थी मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं कपिल जैन हूँ, मैंने कोई सर्विस दी यूएसए में, तो मैं ये चाहूंगा कि जब मैं सर्विस यूएसए में दे रहा हूँ तो मेरी ये सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाए, सर्विसेज बन जाए, और क्योंकि मेरे को बेनिफिट मिलेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगी। बिकॉज़ आप फॉरेक्स भी लेकर आ रहे हो, आप फॉरेक्स भी लेकर आ रहा हूं मैं, तो उस वाले केस में मैं क्या करता था कि मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो मैं करता था तो उसके लिए जो हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 है आईजीएसटी का, वो कहता था अगर आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनानी है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर होना चाहिए। तो मेरा क्या, मैं हमेशा ये कहता था कि भाई मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर है, लेकिन जो इसका सेक्शन 13 का सब सेक्शन 8 है वो ये कहता था अगर तुम इंटरमीडिएटरी हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, इंडिया में, और इंडिया में अगर है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इंडिया में, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई वहां होगा जहां पे इंटरमीडिएट है, जहां पर एजेंट है, बिल्कुल इंडिया में, राइट। तो मेरा वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनता था। तो सर इसमें क्या क्लैरिफिकेशन, आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। इसमें तो मैं कपिल जी कहूंगा कि बहुत ज्यादा बेनिफिट इस सर्कुलर का सब ले सकते हैं, और जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट केरला स्टेट की, कर्नाटका स्टेट की एआर रूलिंग्स अगेंस्ट में आई हुई थी वो सब से रिलैक्सेशन मिल जाएगी एक तरह से। क्योंकि बेसिकली हुआ क्या है फ्रेंड्स, मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा और बैकग्राउंड इसमें। एक इंटरमीडिएटरी बेसिकली क्या होता है, जो इन्होंने अपने सर्कुलर में भी समझाया, इन्होंने समझाया कि इंटरमीडिएटरी की डेफिनेशन हमारी सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 के अंदर ऑफ आईजीएसटी एक्ट मैंने दी हुई है। वो बेसिकली यही कहती है कि कोई एजेंट या कोई ब्रोकर या किसी भी काम का किसी भी नाम से वो जाना जाता है, अगर वो पर्सन का मेन काम ये है कि वो मेन 2% या 2 से ज्यादा पर्सन की सप्लाई को फैसिलिटेट कर रहा है, उनके बीच की सप्लाई को फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसको ये एज ए एजेंट, यानी कि वो मेन सप्लाई नहीं दे रहा, मेन सप्लायर नहीं है वो, उसको उन दोनों को आपस में मिला रहा है वो एक तरह से, और उसके लिए वो कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है, देन वो ये डेफिनेशन उस इंटरमीडिएट की डेफिनेशन उन लोगों को कवर करना चाहती थी, ठीक है। इसकी इंटेंशन में कभी कहीं कोई बुराई नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, इसकी इंटेंशन तो ये रही थी। अब जैसे आपने बताया कि होता क्या है कि इंटरमीडिएट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ बना दिया इन्होंने, प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया इंडिया, इंडिया में, इंडिया में बनते ही प्लेस, तो आप ये टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 की आप डेफिनेशन से आउट हो गए, आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं बना, मेरे पे टैक्स लग गया। अब जैसे ही ये चीज पता लगी, या आप कह सकते हो डिपार्टमेंट को या एआर रूलिंग के सामने ये चीज आई कि ये इंटरमीडिएटरी जैसे ही बन जाता है इसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है, ना इसको आईटीसी का रिफंड मिलेगा, ना किसी टैक्स का रिफंड मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो इस वर्ड का मैं बोलूंगा कि मिस यूटिलाइजेशन शुरू होना हो गया, कि वो जो वर्ड है फैसिलिटेशन एक वर्ड यूज किया गया है इस इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में, कि वो फैसिलिटेट कर रहा है, तो फैसिलिटेशन के अंदर आप वो हर चीज को इंक्लूड करने लग गए, लाइक कि वो कोई बीपीओ है, बीपीओ अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहा है, अकाउंटिंग की सर्विसेज में वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि आप फैसिलिटेट कर रहे हो सप्लाई के अंदर, कोई सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है आप उसमें फैसिलिटेट कर रहे हो, तो अब
इस सर्कुलर का आप एग्जाम्पल फोर आप देखिएगा, एग्जाम्पल फोर में मैं ये एग्जाम्पल मैं वैसे ही बता देता हूँ, एग्जाम्पल फोर आप इसका रेफर कीजिएगा। एग्जाम्पल फोर में उसने यही चीज बोला है, इसने यही चीज बोला है कि सपोज करो कि मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ, ठीक है, मैं मिस्टर ए कंप्यूटर का काम करते हैं, मिस्टर ए ने अपने कंप्यूटर सबको भेज दिए। अब कंप्यूटर का काम करने के बाद उसमें 100 डिफेक्ट्स आते रहते हैं, 100 कस्टमर की कंप्लेन आती रहती है, तो वो उस कस्टमर केयर को हैंडल करने के लिए उन्हें अब एक सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत है। तो अब तक एआर रूलिंग क्या करती थी कि ऐसी भी कोई सपोर्ट दोगे तो आप ये इंटरमीडिएट बन गया, लेकिन उन्होंने यही समझाया कि ये कस्टमर केयर की अपनी एक इंडिपेंडेंट सर्विस है, कस्टमर केयर की एक इंडिपेंडेंट सर्विस है जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वो दे रहा है, वो एज एजेंट ही नहीं दे रहा, उसने अपना कस्टमर केयर अपना बना रखा है, उस कस्टमर केयर में उस मेन पर्सन के कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी किसी कस्टमर की प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजोल्व करता है। तो उसने बोला कि ये इंटरमीडिएट में कहीं कॉल नहीं करेगा क्योंकि इसने कहीं पे मेन सर्विस को फैसिलिटेट नहीं करा है, इसने अपनी एक इंडिपेंडेंट इसकी एक सर्विस है कस्टमर केयर की सर्विस, वो ये सर्विस दे रहा है। एक और इसने अच्छी बात बताई है इसी सर्कुलर के अंदर कि अगर हम कुछ काम अपना सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम कुछ काम अपना सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका मतलब भी आप ये नहीं मानोगे कि उसने वो फैसिलिटेट कर दिया उसको, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली उस काम को खुद कर रहा है। जैसे सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि मेरे पास अगेन कोई सॉफ्टवेयर बनाने का काम आया, वो इसे एग्जांपल में दिया गया, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर बनाने का काम आया और सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट मेरे को लगता है कि मिस्टर बी ज्यादा अच्छा करते हैं, मैंने उनको दे दिया, ठीक है। अब ये अगेन फिर डिपार्टमेंट या यार रूलिंग का रहता था कि ये तो मेन सप्लाई का एक पार्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, अगेन ही इज एजेंट, तो उसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने बोला सब कॉन्ट्रैक्टिंग होगी या फिर वो इस तरह की कस्टमर केयर का काम करेगा या ये बीपीओ तरह की सर्विस देगा, तो ये कहीं पे भी इंटरमीडिएट की सर्विस में नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंट सर्विस कर रहे हैं और ये दे आर वेरी मच इलिजिबल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इनको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि अब ओवरऑल ये निकल के आता है कि अगर कोई पर्सन मेयरली इस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है कि वो दो लोगों को मिला रहा है आपस में, उसने सप्लायर और रिसिपिएंट को आपस में मिलवा दिया, सप्लायर और रिसिपिएंट को मिलवाने के काम की वजह से वो कुछ कमीशन ले रहा है या कुछ कंसीडरेशन ले रहा है, तो दैट क्लियरली फॉल अंडर द इंटरमीडियरी सर्विसेज, वो इसमें एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं ले पाएगा अगेन। लेकिन लेकिन हाईकोर्ट इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करती है, तो वहां पे जाके हो सकता है फ्यूचर में इनको रिलीफ मिल जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जब जीएसटी का क्या मेन पर्पज है, जीएसटी का मेन पर्पज है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो उसने सारी की सारी सर्विस बाहर इंडिया से बाहर दे दी है तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो उसके ऊपर क्यों उसको भी बेनिफिट इंटरमीडिएट को भी बेनिफिट दिया जाए। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कहता है कि आप एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, तो इन दो चीजों को देखकर हो सकता है कि आगे चैलेंज करके इंटरमीडिएट को इन और केसों में भी फायदा मिल जाए। लेकिन आज की डेट में सर्कुलर का फायदा लेते हुए आपको बीपीओ या कोई आप सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं या फिर अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं या फिर आप उसने कुछ आपको काम आउटसोर्स कर दिया है, तो उस केस में आप वेरी मच यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सर्कुलर और उसके आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाए। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे को बेनिफिट मिल गया है, ये हाँ ये मैं कहूंगा कि ये आज जितनी भी आपकी एआर की रूलिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट रूलिंग आ रही थी वो एक तरह से आप रिलैक्सेशन मान सकते हैं, मतलब अब काफी सारी सर्विस हमारी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी, मैं हो जाएगा, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपका एग्रीमेंट अगर ये शो करता है कि आपने जस्ट आपस में सप्लायर और रिसिपिएंट को मिलाया है एंड फॉर दैट यू आर चार्जिंग सम कमीशन सम कंसीडरेशन दैट पर्टिकुलरली फॉल अंडर द इंटरमीडिएट सर्विसेज, तो वो अभी उससे रिलैक्सेशन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर, आगे एक लास्ट सर्कुलर है हमारा, सर्कुलर नंबर 161 जी। इसमें जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की हम बात कर रहे हैं जिसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में, उसमें एक चेंज आया है, वो क्या कहना चाहता है? अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो जैसे सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में एक तो ये कंडीशन थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंडिया से बाहर होना चाहिए, उसमें वन ऑफ द कंडीशन ये भी है कि ये जो सप्लाई है वो मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये समझाने यहाँ पे डाउट ये आता था कि मान लो आपकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में है, सब्सिडियरी कंपनी बाहर है,
या वाइस वर्सा, आपकी होल्डिंग कंपनी बाहर है और सब्सिडी कंपनी यहाँ पर है, दोनों अपने लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, सेपरेट लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर ये भी डाउट क्रिएट करता था डिपार्टमेंट कि ये दोनों मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम पर्सन है, जो कि होल्डिंग और सब्सिडी तो दोनों सेम ही है, सेम है, तो इनको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए एक्सपोर्ट का। तो यहाँ पे फिर अगेन इस सर्कुलर ने बेनिफिट ही दिया है, इस सर्कुलर ने क्लियर किया इस चीज को कि हमें पर्सन की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए, जो पर्सन की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में दी गई है, और वही आईजीएसटी एक्ट में हम सेम डेफिनेशन सेक्शन 224 में पढ़ सकते हैं, तो सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में, और इसमें पर्सन की डेफिनेशन से वो दो डेफिनेशन निकाल के लाया है कि पर्सन के अंदर कंपनी जो इंडिया वाली है उसको सेपरेट पर्सन माना गया है, और कंपनी जो बाहर वाले लॉ में रजिस्टर्ड है उसको वो सेपरेट पर्सन मानी गई है। तो जब दो पर्सन की डेफिनेशन भी सेपरेट पर्सन माना गया है उनको, तो हाउ वी कैन से कि वो मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो यहाँ पे इनको बोला गया कि अगर सब्सिडियरी होल्डिंग इस तरह की ट्रांजेक्शन करते हैं तो दे आर वेरी मच फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होंगी कि अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया है इन्होंने, जो पहले क्लेरिफिकेशन से नहीं था। सब लोग कहते थे कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मत बनाओ डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन क्लेरिफिकेशन करके इन्होंने कह दिया है कि जो लोग एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं उन्हें करने दो भाई, ठीक है ना। ये सर्कुलर इसी को बेनिफिट करते हैं। बाकी सर हमारा क्या है ना कि हम ये तीनों सर्कुलर्स को ना अपनी मैगजीन में देंगे अक्टूबर में, जिससे कि सामने वाले को और क्लैरिटी आ जाए। तो सर और कुछ इसमें बताना चाहिए, हम अपनी वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट हम क्लियर कर चुके हैं, सारे के सारे सर्कुलर हमने कर लिए हैं। और दूसरा, अगर कोई पीपीटी वगैरह, जैसे मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है सीए अमरजीत सिंह के नाम से, पीपीटी ऑलरेडी उस पर भी पड़ी है इसके साथ, तो कुछ भी अगर कंटेंट चाहिए तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से भी बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।